सामग्री कहाँ है? हवन कुंड कहाँ है? जाके लेके आइए। अभी अभी लाया। जी जी राजू, चौकी लेके आओ जिस पर सत्यनारायण भगवान स्थापित होंगे। जाओ। अच्छा अभी लेके। अरे तूने अहम जिगर और चिराग को घर पे वक्त पे आने के लिए बुला के नहीं? अरे हाँ बा, मैंने सबको फोन कर दिया, सब आते ही होंगे। अभी गई मरी बछड़ी, सब ठीक हो जाएगा। ये पूजा तो इसीलिए रखवाई है, परिवार की सारी बाधाओं का अंत हो जाए, घर में शांति रहे, मेरे सारे बच्चे खुश रहे। बा, तेरी इस गुड़िया ने तो मेरा मन भी जीत लिया। अरे सुबह से लेकर शाम तक सबकी सेवा करती रहती है। जीती रहे बेटी। बा, अरे ठाकुर जी की पूजा पाठ के चक्कर में तू अपना दवाई लेना भूल जाती है। चल तेरी दवाई का वक्त हो गया। नहीं रे वो। अरे हाँ बा, आप जाइए, पूजा की तैयारी बराबर से हो जाएगी। अच्छा ठीक है बेटा। जी, आपसे बात कर करके मैं बड़ी हुई। आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी, आंसू पोंछे, कहा कि रो मत गोपी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और जब मैं इस घर में नई नई आई, मैं इस घर की खुशियों को चौगना करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सब मुझसे खुश रहे, लेकिन न जाने मुझसे क्या भूल हुई कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी, मेरे पति, कोई खुश नहीं है। की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं क्या करूं काना जी?
अरे ये क्या मनी, और फूल लाना, और भी मालाएं तो गूंथनी है। ठीक है बा, और लेकर आती हूँ। जा। अरे गोपी राशि, ये काम तुम दोनों का है, ठाकुर जी खुश होंगे और तुम दोनों की जोड़ी की सलामती के लिए आशीर्वाद देंगे। गोपी राशि, इन मालाओं में ये फूल भी लगा देना। लगता है गाड़ी अब चल पड़ेगी। जितना डरती थी उतना डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिगर से कुछ भी करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अगर वो मेरी मुट्ठी में आता गया तो इस हफ्ते कुछ और नई साड़ियां, और अगले हफ्ते कुछ लेटेस्ट डिजाइन्स की ज्वेलरी, एंड फाइनली लॉकर की चाबियां। अरे ओ स्वप्न सुंदरी, ध्यान कहाँ खोया हुआ है तुम दोनों का? वाह वाह, कितने बढ़िया से सत्यानाश कर दिया इन फूलों का। हे कृष्ण भगवान, ये दोनों छोकरियां कौन सी मिट्टी की बनी है, कोई असर ही नहीं होता। अब ऐसे ही रहा ना हाल तो पूजा के वक्त आधी तैयारी भी नहीं हुई होगी। अब मेहमानों का आने का टाइम हो चुका है, अहम भी ऑफिस से आ चुका है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों। गोपी राशि, तुम दोनों जाकर जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ जाओ। क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाती हो? तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती? वो मैं बस एक बात हमेशा याद रख लो कि ना तो तुम मेरे लिए हो और ना मैं तुम्हारे लिए, समझी? तुम्हें इस रूम में आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ एक बात का हमेशा से ख्याल रख लो कि तुम्हारी ये मनहूस शक्ल मुझे कम से कम दिखाई पड़े। आप लोगों को नीचे बुलाया जा रहा है। मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत क्या है? नहीं वो मैंने सोचा कि पूजा में साथ साथ जोड़े से जाना चाहिए। दूर रहा करो मुझसे, समझी?